बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहा करता था। उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उन दोनों में कभी कभी एक बहस छिड़ जाती थी कि कौन किससे ज्यादा काबिल है। ऐसे ही एक रोज उन दोनों में फिर से बहस छिड़ गई कि कौन किससे ज्यादा काबिल है, इसका फैसला कौन करेगा। तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है और वो कहता है, चिंता मत करो, इसका फैसला मैं करूँगा, तुम दोनों में मैं एक रेस लगवाऊंगा, जो भी उस रेस में प्रथम आएगा वो दूसरे से ज्यादा काबिल होगा। कछुआ और खरगोश रेस के लिए मान जाते हैं और अगले दिन जहाँ रेस होने वाली होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। बंदर कहता है, चलो रेस चालू करो और जो प्रथम आएगा वही एक दूसरे से काबिल होगा। रेस चालू होते ही दोनों भागने लगते हैं और थोड़ी ही देर में भागते भागते एक खेत आ जाता है। खरगोश क्योंकि कछुए से आगे निकल गया था, वो सोचता है क्यों ना रुक कर थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। खेत में बहुत अच्छे शलगम और गाजर उग रहे होते हैं, वो पहले शलगम खाता है, फिर थोड़ी देर में वो एक गाजर भी खाने लगता है। वो इतनी गाजर और शलगम खा लेता है कि उसको नींद आने लगती है और वो सो जाता है। इस चीज का फायदा कछुआ उठाता है और वो भागने लगता है फिनिश लाइन की ओर। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और जल्दी जल्दी भागता रहता है। थोड़ी ही देर में फिनिश लाइन नजदीक आ जाती है और वो भागता रहता है, लेकिन कछुआ जल्दी ही फिनिश लाइन को पार कर लेता है और खरगोश को हरा देता है।